नमस्कार दोस्तों, विंटेज ऑडियो मेमोरीज़ में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? छोटा सा ये एक वीडियो है और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक हेड। दोस्तों थोड़ी सी खास बात है इस हेड में और आज के टाइम में थोड़ा सा मुश्किल है इसे ढूंढना। मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि ये हेड है और इसका दोस्तों कैप हटा के नंबर देख लेते हैं तो ये B024F ये इसका हेड का नंबर है और उसी के साथ लगा रहता है ये कनेक्टर, आप देख सकते हैं। और दोस्तों ख़ास इसलिए है ये हेड क्योंकि ये इस्तेमाल होता है इस तरह के मैकेनिज्म में। दोस्तों उदाहरण के लिए मैंने ये रखा हुआ है। दोस्तों ये शार्प के एक बूम बॉक्स का मैकेनिज्म है जो डबल कैसेट प्लेयर विद हाई स्पीड डबिंग में आता था। ये देखिए एक ही मोटर लगी रहती थी और दोनों मैकेनिज्म इसी से चलते हैं। एक ऑटो रिवर्स टाइप का जो होता है इसमें, ऑटो रिवर्स टाइप वाला जो मैकेनिज्म है दोस्तों ये वाला, दोनों तरफ पिंच रोलर लगे हुए हैं आप देख सकते हैं, उसी में एकदम सेम ये हेड यूज़ होता है। ये देखिए दोस्तों ये हेड यहाँ पर लगता है और यहाँ पर ये एक स्विच दिया गया है, ये स्विच पर जो हेड के साथ कनेक्टर अटैच है, एक छोटी सी पीसीबी है वो यहाँ पर लगता है। ये शार्प का है दोस्तों मैकेनिज्म। और शार्प के अलावा भी अगर किसी और ब्रांड के बूम बॉक्स या डबल कैसेट प्लेयर में आपको इसकी ज़रूरत हो तो आप इसे ले सकते हैं। एक बार और मैं इसका नंबर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा यहाँ से को, और ऊपर की तरफ से ये देख रहे हैं आप एकदम ब्रांड न्यू ये हेड है। और दोस्तों जो नंबर ऑफ ये कनेक्टर्स वायर हैं पॉइंट है वो भी मैं आपको एक बार गिन के बता दूं, तो हेड पर दोस्तों टोटल जो है वो 4 और 4 8 पॉइंट है। लेफ़्ट वाला जो है 2 को एक साथ सोल्डर किया हुआ है और ये जो स्विच पर लगने वाला पीसीबी है इसमें 12 पॉइंट टोटल हैं आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, चलिए मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।